सनाज रसोई को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, साथ में है बेल आइकॉन, घंटी का निशान, उसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए ब्रेड रोल्स की रेसिपी, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं आजकल, और ये बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं आप, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, तो स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन एक बड़ा चम्मच ऑयल ले रही हूँ, और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, वन फोर टीस्पून, यानी कि एक चुटकी या वन फोर टीस्पून, एक छोटी चौथाई चम्मच हींग ऐड करेंगे, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ, और दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो इनको हम एक साथ मिक्स करके भून लेंगे अदरक और लहसुन को। तकरीबन एक मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, उसके बाद इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो निकल जाएगा, और उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा चिपक गया, इसको हटा लेती हूँ मैं। तो बस ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था वो भुन गया है, और अब इसमें ऐड कर लेंगे हम मटर। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो आप प्रेशर कुकर में एक विसल आने तक पका लें, और उसके बाद आप इसे यूज़ करें तो आपके जो मटर हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये जो फ्रोज़न मटर होते हैं ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, हाफ़ कुक्ड होते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं दो तीन मिनट के लिए बस सॉटे करूँगी। तो बस हमारे मटर भी हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी का पाउडर लेंगे एक छोटी चौथाई चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे इसको। और अब मैं इसमें बारीक कटे हुए काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। काजू और किशमिश दोनों ही ऑप्शनल हैं, आप इनके बिना भी बना सकते हैं। काजू मैंने इसमें ऐड किए हैं और किशमिश मैंने ऐड की है, तो किशमिश डालने से थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें। और अब इसमें आलू डालूंगी मैं मैश करके, तीन छोटे साइज़ के आलू हैं मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे आलू को, आप पहले से बॉईल करके और ठंडा करके ऐड करें, जिससे आपकी जो स्टफिंग है वो बहुत स्टिकी नहीं बनेगी, बहुत ड्राई ड्राई सी बनेगी, जिससे आपके ब्रेड रोल्स भी अच्छे बनेंगे। तो बस मिक्स कर लेंगे, और जो बड़े बड़े आलू हैं उनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बस अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ में ऐड कर लेंगे इसमें अमचूर पाउडर एक चम्मच, ड्राई मैंगो का पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एक चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें, कम ज़्यादा अगर ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। मिक्स कर लेंगे इसे, फ्लेम को मैंने अभी मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है आपको। और इसके बाद हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, और इसे मिक्स कर लेना है। तो बस हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है हरा धनिया ऐड करने के बाद। अब मैंने स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने चार ब्रेड स्लाइस लिए हैं, के साइड्स को मैं ट्रिम कर लूँगी इस
तरह से इसके साइड्स को ट्रिम करना है। आप चाहे तो साइड्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन साइड्स को आप ट्रिम करके बनाएंगे तो ये दिखने में अच्छे लगेंगे। और इसके जो साइड्स हमने ट्रिम किए हैं उसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, किसी और रेसिपी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमारे ब्रेड्स भी ट्रिम हो गए हैं। अब हम स्टफिंग से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसके इस तरह से, जिस तरह से हम ब्रेड रोल्स बनाएंगे उसी शेप में हम यहाँ पे छोटे छोटे से ओवल शेप में इस तरह से आलू की स्टफिंग का इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ एक प्लेट में मैंने पानी भी ले रखा है, तो अभी मैं चार ब्रेड रोल्स बना रही हूँ तो चारों को मैं एक साथ कंप्लीट करके रखूँगी। तो इस तरह से बना लेना है आपको स्टफिंग से, जैसे आप स्टफिंग ब्रेड के अंदर भरेंगे तो इससे आसानी रहेगी आपको। तो ये मैंने बना लिए। एक प्लेट में मैंने पानी ले लिया है और इस पानी में हम ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे दोनों साइड से, और इसको हथेली के बीच में इस तरह से स्क्वीज कर देंगे, इस तरह से पानी सारा इसका निकाल देंगे। और उसके बाद हमने जो स्टफिंग के रोल्स बनाए हैं वो इसके अंदर इस तरह से स्टफ़ करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इस टाइम पे हमारे जो ब्रेड है वो गीले हैं तो वो आसानी से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको हाथों की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट कर दें स्टफिंग के ऊपर। ये देखिए, तो हमारा ये एक ब्रेड रोल बन के रेडी है। इस तरह से इसको शेप दे दें आप, इस तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। और मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, तो ऑयल को एकदम अच्छे से गरम करना है पहले। और या तो आप बनाते बनाते बिल्कुल इस तरह से ऑयल में से डालते जाएं, गरम ऑयल में, एकदम गरम ऑयल है, या बना के रख लें और उसके बाद ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे बना के रख लिए हैं और ऑयल भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम है, तो मैंने एकदम से इसमें ऐड कर दिए हैं। एक और ऐड कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, जितने कढ़ाई में आ सके उतने ही डालने हैं। और इसको एक दो मिनट के लिए बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है। जब आपको लगे नीचे की साइड ब्राउन हो गई है तब आप इसे पलट दें। ऑयल को अच्छा गर्म रखना है जब आप इसे ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। आप ठंडे ऑयल में अगर इसे डाल देंगे तो ये एकदम से ऑयल को सोख कर लेंगे, इसलिए आप एकदम गर्मा गर्म ऑयल में इसे डालें और फटाफट से फ्राई करके बाहर निकालें तो बहुत कम ऑयल इसमें सोख होता है। तो इसको मैं एकदम गर्म ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई कर लें। तो जैसे ही ये चारों तरफ से ब्राउन हो जाएगा मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। पलटने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक छोटी स्पून का हेल्प ले सकते हैं। तो बस हमारे ये ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो बस इसको निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स को आप सर्व कीजिए। टमाटो केचप के साथ, आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और इफ्तार में आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें, शेयर करें वीडियो को, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।